और कोर्ट का फैसला होता तो हम लोग तो भाई पालन करते ही है ना, पालन नहीं कीजिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो सबको कोर्ट के फैसले को, आदेश को जो है पालन करना ही चाहिए। दूसरी बात, ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है। 6 बार जो भी सज़ा हुई है, हम लोग हर केस पे अपील में हाई कोर्ट जा चुके हैं, तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी ज़रूर बड़ी होंगे, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा निचली अदालत का जो फैसला होता है हाई कोर्ट में गलत हो जाता है, या कई बार हम लोगों ने कई कई चर्चाओं को, कई विषयों को देखा है कि भाई हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तब कोर्ट का फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही, लेकिन आपको एक देश की जनता यही ना देख रही है कि भाई ये तो आज़ादी जब से मिली है और अब तक लगता है कि एक ही घोटाला हुआ है और कोई घोटाला किसी को दिखाई नहीं, और एक ही नेता हैं जिनको सजा हुई है, और एक बार नहीं बार बार, यानी केस एक था उसको बांट दिया गया। अरे घोटाला तो एक था ना, कॉन्स्पिरेसी तो एक ही होती है, अब फल्ला फल्ला कितनी बार सजा देगी। देश की जनता जान रही है कि सजा किस कारण जो है गरीबों के मसीहा नेता को क्यों मिला है। अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है, जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं या उनके बड़े लोगों के जो नेता हैं उन पे कभी कार्रवाई हुई है क्या? बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहाँ किसी पे कोई कार्रवाई, कहाँ कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया। या देश की अगर बात की जाए तो ये तो सोचने का विषय है कि भाई जो मुद्दा ही था उसको आप लोगों ने मुद्दा ले बना दिया गया। तो ये सारा विषय हम लोग सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और देश की जनता तो ये भी देख रही है ना, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या 2 दिन पहले ही 23,000 करोड़ रुपया लेके जो भागे गुजरात के लोग, इन पे थोड़ी ना कार्रवाई हो सकती। या यार्ड में ड्रग्स मिला कितने हजारों करोड़ का, कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं ना। तो सब लोग तो जानते ही है कि भाई जो CBI, ED, इनकम टैक्स, मात्र अब BJP का एक पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे काम करता है, वही प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। तो इस पे ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, ये लोग देख रहा है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है, और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना हैं और कभी भी नहीं रहेंगे।